guys, welcome back to my channel. This is Shabd and today you will study about design and drawing. So design and drawings are basically used for NIFT, NATA, NED and graphic design. NIFT, NATA, NED और ये सब की preparation होती है for an entrance exam basically. So चलो start करते हैं. तो आज हम लोग सीखेंगे इंट्रोडक्शन, मिशन क्या होता है, प्रॉब्लम कैसे होती है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं, उसका सॉल्यूशन क्या क्या होता है एक डिज़ाइन फॉर्मेट में. ओके, सो इंट्रोडक्शन टू डिज़ाइन ड्राइंग एंड डिज़ाइन फाउंडेशन. डिज़ाइन और ड्राइंग का फाउंडेशन क्या होता है? ड्राइंग इज़ द आर्ट ऑफ विजुअली प्रेजेंटिंग योर आइडियाज़. ड्राइंग जो है एक आर्ट होती है विजुअली प्रेजेंटिंग योर आइडियाज़. एक विजुअल आर्ट होती है जो कि हम प्रेजेंट करते हैं अपने आइडियाज़ को बताते हैं थ्रू ड्राइंग. दिस मॉड्यूल विल हेल्प यू लर्न दोज एस्पेक्ट्स ऑफ ड्राइंग एंड डिज़ाइनिंग विच आर रिक्वायर्ड इन एंट्रेंस एग्जाम. इसमें हम लोग जानेंगे देर आर सो मैनी मॉड्यूल्स. सीरीज़ अभी शुरू हुई है तो बहुत सारा मॉड्यूल है इसके बारे में जिसमें हम जानेंगे कि डिज़ाइनिंग क्या होती है, ड्राइंग क्या होती है, एंट्रेंस एग्जाम में हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है. एंड इफ़ यू डोंट नो देन आई एम बेसिकली अ ग्राफिक डिज़ाइनर. मैंने निफ्ट, नेड, नाटा जी पता नहीं क्या क्या एग्ज़ाम दे रखे हैं, ठीक है. और I have been working in this industry from last 1 or 2 years as a graphic designer. Or I have been studying the designing part and drawing part since when I was in 8th standard. So yeah, I am here to give you the knowledge of design and drawing. So let's begin. So फर्स्ट पार्ट में ये बता दिया था कि इंट्रोडक्शन ड्राइंग का क्या होता है, एक विजुअली उसको रिप्रेजेंट किया जाता है अपने आइडियाज़ को. सेकेंड पार्ट में बी सेक्शन है हमारा जिसमें हम बताएंगे कि इंट्रोडक्शन टू द ड्राइंग मटेरियल्स, ड्राइंग की क्या क्या मटेरियल्स होती हैं, द कॉमन मीडियम जो सबसे ज़्यादा कॉमन मीडियम होता है जो हम यूज़ करते हैं ड्राइंग में वो एक पेंसिल है और पेपर है. सबसे ज़्यादा कॉमन मीडियम है ये पेंसिल और पेपर और आप सबको पता होगा बिना पेंसिल पेपर के ड्राइंग नहीं बन सकती. There are following kind of pencils. Pencils के भी कुछ kind होते हैं, H pencil and B pencil. The pencils you will need to drawing, जो कि हमें drawing के लिए use होते हैं, need होते हैं, वो होते हैं HB pencil, 2B pencil, 4B, 6B, 8B. अब इसके आगे भी बहुत सारे pencils हैं and you will see in this, particularly आपकी screen पर एक दिख रहा होगा, मैं इसको zoom करके दिखाती हूँ. H pencil जो 9H pencil है that is very light and all of a sudden you will see that धीरे धीरे जैसे जैसे pencils के shades बढ़ रहे हैं, numbers बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उनके shades भी बढ़ रहे हैं. HB pencil ये है, B pencil ये है, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B, 9B is the darkest यहाँ पे जो दिख रहा है. But we have 12B also, we have 10, 12, yeah, these pencils are also there. और उसके भी जो darkness है that is too dark. Okay, so there are following papers we require. कुछ papers हैं जो हमें require होते हैं, that is a cartridge paper जो कि drawing book में आते हैं. Normally जो हम drawing book use करते हैं अपने schools में उसमें cartridge paper, उसे cartridge paper बोला जाता है. आइवरी पेपर वो होती है जो ग्लॉसी फिनिश में होती है, उसकी जो फिनिशिंग होती है वो थोड़ी ग्लॉसी होती है. प्रिंटिंग पेपर, प्रिंटिंग पेपर जो हम नॉर्मली किसी दुकान पे जाते हैं और फोटो स्टेट वगैरह करवाने के लिए जो यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रिंटिंग पेपर. हैंडमेड पेपर्स जो होते हैं वो पर्टिकुलरली यूज़ होते हैं वाटर कलर्स के लिए, गॉश कलर्स के लिए, एक्रेलिक कलर्स के लिए, ये सब कलर के लिए हैंडमेड पेपर यूज़ होते हैं. एंड इट इज़ मोर लाइकली थिक देन अ कार्टेज पेपर. थोड़ा वो मोटा होता है, उसका जो थिकनेस होती है वो काफ़ी मोटी होती है. ओके, नाउ सेक्शन सी. सेक्शन सी में हम लोग ये जानेंगे इंट्रोडक्शन टू द डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड डिज़ाइन प्रिंसिपल्स. इंट्रोडक्शन है डिज़ाइन का, एलिमेंट का और डिज़ाइन प्रिंसिपल का. टू मेक एनी गुड डिज़ाइन और एनी वर्क One should know about the elements and principle of design. कोई भी अच्छा डिज़ाइन बनाने के लिए या ड्राइंग बनाने के लिए उसके एलिमेंट्स जानना और उसके प्रिंसिपल्स जानना
बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. लाइक इट इज़ अ की टू डिज़ाइन और टू मेक आर्ट. फर्स्ट एलिमेंट एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइंस आर दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. पॉइंट एंड डॉट, लाइन, शेप, फॉर्म, टोनल वैल्यू, टेक्स्चर, कलर, स्पेस. अब ये सारे पॉइंट्स को हम आगे फ्यूचर में और भी डिस्कस करेंगे. मैं अच्छे से लाइक एक PDF फॉर्मेट वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दिस पॉइंट्स. सो अभी के लिए बस ऐसे ही जान लो कि ये 8 पॉइंट्स हैं. लाइन है, शेप है, फॉर्म है, टोनल वैल्यू है, टेक्स्चर है, कलर और स्पेस है. ओके, नाउ देयर इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन. प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस क्या क्या है? यहाँ पे सिर्फ 5 लिखे हुए हैं बट 8 होते हैं. बैलेंस, रिदम, प्रोपोर्शन, एम्फसाइज और यूनिटी. ये है. इवन प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में स्पेस भी आ जाएगा और वाइट टेक्स्चर भी आएगा. ये सारी चीज़ें भी आती हैं जो कि प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन में आती है. ओके, सो एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन. एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन हम अभी जानेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट वॉज पॉइंट एंड डॉट, जो कि मैंने आपको ऐसे बताया था कि पॉइंट और डॉट है जो कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट है. पॉइंट और डॉट क्या होता है? द पॉइंट इज़ द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट एलिमेंट ऑफ ड्राइंग. जो एक पॉइंट है वो सबसे ईजी और फर्स्ट ऐसा एलिमेंट है ड्राइंग का. द बिगनर ऑफ एनी ड्राइंग स्टार्ट विद अ डॉट. जो भी ड्राइंग है उसकी जो बिगनिंग है वो स्टार्ट होती है डॉट से. एक डॉट होता है तो उससे एक फ्लावर बनता है. एक डॉट होता है उससे एक सर्कल बनता है. ठीक है, अ पॉइंट ऑलवेज अट्रैक्ट्स द व्यूअर अटेंशन. एक जो पॉइंट है वो हमेशा व्यूअर के अटेंशन को अट्रैक्ट करता है. आई एम गिविंग योर एग्जाम्पल दैट वेन एवर वी पॉइंट अ डार्ट ऑन अ सर्चिंग फॉर अ लोकेशन इन अ गूगल मैप, इट ऑलवेज द पॉइंट दैट डार्ट योर अटेंशन. गूगल मैप पर जब भी हमें कहीं जाना होता है, हम लोकेशन लगाते हैं और वहाँ पर क्या होता है कि एक डॉट हम पॉइंट करते हैं. जो वो डॉट होती है ना, वो हमें अट्रैक्ट करती है. वो एक पर्सन का अटेंशन अट्रैक्ट करती है. दैट्स वाई वी हैव अ डॉट इन अ गूगल मैप. द सीरीज़ ऑफ पॉइंट क्रिएट विजुअल मूवमेंट्स. सीरीज़ होती है पॉइंट में जो कि एक विजुअल मूवमेंट क्रिएट करती है. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम किसी एयरपोर्ट पे गए एंड या फिर हम किसी रेलवे स्टेशन पे गए एंड वहाँ पर जो एक नंबर वाइज चलता रहता है कि ये प्लेटफॉर्म पर इतने नंबर की गाड़ी आने वाली है. ओके, सो दैट इज़ बेसिकली वहाँ पर वो जो चलता रहता है वो नंबर वाइज जो वो चलती रहती है, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, दैट इज़ ऑल्सो मेड अप ऑफ डॉट. अगर हम ध्यान से देखें तो वो एक डॉट से ही बनी होती है. एंड इफ़ यू एवर विजिट प्लीज़ सी दैट थिंग कि हाँ ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा कि वो डॉट से बना हुआ है. एंड दैट इज़ विजुअलाइजिंग बाय अ डॉट. डॉट कैन बी क्रिएट विजुअल इमेजेस. डॉट जो होता है वो विजुअल इमेज क्रिएट करता है. द इमेज जो कि हम अभी आपको दिखाएंगे. ओके, ये इमेजेस जो आपको शो हो रही हैं ये सब डॉट से बनी हुई हैं. अब एक सिंपल सा एक्सरसाइज है फॉर द व्यूअर्स हु आर व्यूइंग दिस, और जिसको भी ड्राइंग या ये सब बनाना है या इंटरेस्ट है वो इस सिंपल से एक्सरसाइज को फॉलो कर सकते हैं. एलिमेंट्स, ट्राई टू क्रिएट सम सिंपल शेप्स यूजिंग द एलिमेंट्स यूजिंग डॉट. एलिमेंट जो है वो हमारा डॉट है. आपको एक स्क्वायर बनाना है, एक सर्कल बनाना है, एक लीफ बनाना है और अपना नाम लिखना है बेसिकली डॉट से, सिर्फ और सिर्फ डॉट से. आफ्टर क्रिएटिंग द ड्राइंग यू कैन शेयर योर वर्क ऑन माय इंस्टाग्राम. आप अपना जो वर्क है वो मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, उसको दिखाने के लिए, पूछने के लिए. मैं सबके रिप्लाई दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं रिप्लाई नहीं दूंगी या कुछ भी. मैं सबके वो आर्ट वर्क्स देखूंगी, अगर इसमें कोई कमी होगी तो भी बता दूंगी, अगर नहीं होगी तो ही बता दूंगी. एंड इट इज़ एग्जांपल ऑफ लाइक दिस इज़ अ सर्कल, अ लीफ, अ स्क्वायर एंड अ डियोर रिटन विद डॉट्स. तो डियोर के बदले आपको अपना नाम लिखना है बेसिकली डॉट से. ठीक है,
एंड यहाँ पर भी एक आर्ट वर्क है दैट इज़ मेड अप ऑफ डॉट्स. इफ़ यू वॉन्ट टू ड्रॉ दिस आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको बना सकते हो. आगे फर्दर बहुत सारे चैप्टर्स हैं डिज़ाइन और ड्राॅइंग्स के, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं डिज़ाइन और ड्राॅइंग्स के. ये सिर्फ अभी सीरीज शुरू हुई है, दिस वॉज अ लेक्चर वन. अब अगले लेक्चर में आई टेल यू मोर अबाउट द ड्राॅइंग्स एंड डिज़ाइन पार्ट. ओके बाय, सी यू. Thank you for watching, and if you like this video please give a thumbs up, and please 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 मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मेरे को थोड़ा हौसला मिलेगा. इस वीडियो को लाइक भी कर देना, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रिलेटेड ड्राइंग और डिज़ाइन यू कैन टेक्स्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम हैंडल मैं अभी स्क्रीन पर दिखा दूँगी आप लोग को. ओके बाय बाय.